लोकसभा के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में कई राजनीतिक दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के शिकारपुर में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है। चुनौती हर प्रकार की है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। इसको धर्म युद्ध बनाने का, बंटवारा करने का, समाज का, हिंदुत्व का मुद्दा लाने का उनके पास बचा कुछ नहीं। कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार अगर इस प्रकार के हथकंडों का उपयोग करता है तो ये स्पष्ट है कि वो अपना हार का सामना कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। टोंक में अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ वोट डालने आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज का दिन पहला फेज है, जम के बदला लेंगे। जनता मोदी जी को बताएंगे कि इस प्रकार की पद की गरिमा के खिलाफ है। ये डेमोक्रेसी देश के अंदर डेमोक्रेसी में इस प्रकार की भाषा काम ली नहीं जाती है। चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते, जो मैंने पहले कहा था वही बात हो रही है। वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि इस बार भी हर तरफ मोदी लहर है। दिस इलेक्शन इज नाउ अ सुनामी इलेक्शन। आई हैव बीन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द मोदी वेव हैज ओवरटेकन द एंटायर कंट्री। बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भी वोट डाला। वोट डालने से पहले कन्हैया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बेगूसराय को बदनाम करने वाली ताकतों को बेगूसराय में मुंह की खानी पड़ेगी। बेगूसराय जीतेगा। बेगूसराय लड़ रहा है अपने मान सम्मान के लिए, देश के संविधान के लिए और अपने मुद्दों के लिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने अपने परिवार के साथ वोट डाला। बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान के झालावाड़ में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि देश की जनता इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती है। मुझे लगता है कि इतना एक्साइटमेंट है और सबके मन के अंदर ये बात बैठ गई है कि हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं और इसलिए सब लोग जुटे हुए हैं। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी अपने पति के साथ मुंबई के वर्सोवा में वोट डाला। बता दें कि चौथे चरण में गिरिराज सिंह, सलमान खुर्शीद, कन्हैया कुमार, डिंपल यादव, बाबुल सुप्रियो, पूनम महाजन, उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गजों समेत 961 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।